तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको इनफाइनाइट एमराल्ड फार्म बनाने का एक इजी ट्यूटोरियल देने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो, आप इसको इजीली बनाना सीख जाओगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्मूथ स्टोन ले लिया है। आप लोग कोई से भी ब्लॉक ले सकते हो एंड आपको उनको कुछ इस तरह से रख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे तीन गड्ढे करने हैं एंड यहाँ पे आपको स्टिकी पिस्टन को रख देना है। फिर आपको यहाँ से भी गड्ढे करने हैं एंड आपको एक ब्लॉक की जगह छोड़कर यहाँ पे एक ट्रैप डोर लगा देना है। फिर यहाँ से आपको सारी की सारी डर्ट हटा देनी है एंड यहाँ पे आपको रखना है ये क्या कहते हैं इसको रेड स्टोन। इसके बाद आप लोग दो ब्लॉक लगा के ऊपर आइए एंड आप इस वाले एरिया को ब्लॉक लगा के बंद कर दीजिए एंड जब आप यहाँ पे लीवर लगाओगे तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से काम करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लॉक रखना है एंड इसके ऊपर आपको ट्रैप डोर लगाना है और जो ऊपर का एरिया है वो आपको पूरा कवर कर देना है ब्लॉक से, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से। एंड इसके बाद आपको एक बेड लगा देना है इसके साइड में। बट वेट यार, हमें विलेजर को अंदर लेके आना है तो यहाँ पर हमें रेल लगानी पड़ेगी। ये देखो आप कुछ इस तरह से रेल लगाना और आपको विलेजर को लेके आ जाना है और फिर आपको यहाँ से इसको धक्का मार के इसके चप्पल मार के इसको अंदर की तरफ लेके जाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर रेल का ही यूज करो, आप लोग यहाँ पे बोट का भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैप डोर लगा रहा हूँ आपको इसी तरीके से ट्रैप डोर यहाँ पे लगा देना है। ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टोन एंड ट्रैप डोर लग चुका है। अब आपको यहाँ पर एक पटेला लगाना है एंड इसके पास में आपको ये रेड स्टोन रिपीटर लगाना है और इसको आपको मैक्स पे कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक स्टोन लगाना है एंड यहाँ पे आपको एक रेड स्टोन रिपीटर लगाना है और इसको भी आपको मैक्स पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको पे लगाना है एक स्टिकी पिस्टन। अब आपको इसके ऊपर लगाना है फ्लैशिंग टेबल को, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद ये देखो ये जो विलेजर है ये इसके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब हमें यहाँ पे जोम्बी को लेके आना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सीढ़ी वाला रास्ता बनाना है। ये देखो मैंने सीढ़ी वाला रास्ता बना दिया एंड उसी से मैं नीचे आया हूँ, आपको भी ऐसा ही करना है। अब हमें इस बदबूदार जोम्बी को लेके जाना है उस होल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोम्बी आ चुका है, आ जा बेटा आ जा, यहाँ पे तेरे लिए नाश्ता रखा है मैंने, आ जा आ जा आ जा। सो जैसे ही जोम्बी यहाँ पे आएगा आपको यहाँ से कल्टी मार देनी है एंड आपको ये पूरा ऊपर से बंद कर देना है। ये देखो आपको बिल्कुल अच्छे से इसको बंद कर देना है जैसे मैंने किया है। तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। अब आपको यहाँ पे लीवर के ऊपर टैप कर देना है और फिर देखो ये जो जोम्बी है ना ये अपने विलेजर को जोम्बी विलेजर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, इसके लिए आपका गेम डिफिकल्टी लेवल पे होना चाहिए। अगर आपका गेम डिफिकल्टी लेवल पे नहीं होगा तो जोम्बी विलेजर को मार देगा। अब देखो आपको क्या करना है, मेरे पास जो बॉटल है ना ये वाली स्प्लैश पोशन ये आपको फोड़नी है इसके ऊपर एंड आपको इसको गोल्डन एप्पल खिला देना है। ऐसा करने के कुछ देर बाद ही जोम्बी विलेजर विलेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आपको मैं इसका प्राइस दिखाता हूँ, ये देखो इसका प्राइस कितना कम हो चुका है। एंड इस प्रोसेस को आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपको एक स्टिक के लिए एक एमराल्ड ना मिले। एंड हाँ गाइस, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट एक स्टिक के लिए एक एमराल्ड लेने के बाद आपको ये हमने जो आगे फट्टा लगाया था ना इस पे खड़े हो जाना है एंड आपको विलेजर को मारना है और फिर आप उसके साथ ये ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। एंड जब विलेजर आपके साथ ट्रेड करना बंद कर दे तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और जब तक विलेजर इस वर्क स्टेशन से जुड़ नहीं जाता है तब तक आपको वेट करना है। एंड इसके बाद आप इसी प्रोसेस को रिपीट करके इससे अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो। अब इससे आपको एक वुड लैग से 8 एमराल्ड मिल जाएंगे और अगर विलेजर इसका प्राइस बढ़ाता है तो आप इसको रिक्वायर करके इसका प्राइस फिर से ठीक कर सकते हो। और गाइस ये एक बहुत ही ओवर पावर ग्लिच है माइनक्राफ्ट बेडरॉक में और रिक्वायर करने के बाद इसका प्राइस फिर से फिक्स हो जाएगा। तो इस ट्रिक का यूज करके आप एक फुल एमराल्ड बना सकते हो विद ओनली 2 स्टैक्स एंड 57 वुड लैग। तो आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड घंटी को ऑल पे सिलेक्ट भी कर देना यार और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।